केम छो मजा मां। सो फाइनली अभी अभी तुम्हारा भाई विक्रांत रोना फिल्म को देख के आ रहा है। जब भी मैं थिएटर में गया ना देखने के लिए, मेरा दिल एकदम टूट गया। मतलब देख रहा हूँ भाई, चार से पांच लोग भाई इस फिल्म को देखने आए हैं। ऐसे फिल्मों को चार से पांच लोग देखने आए, चीजें देख के भाई मैं टोटली एक तो शॉक्ड हो गया। मैं बोला भाई कि अभी के पब्लिक को क्या चाहिए, सिर्फ चुम्मा चाटी चाहिए, रोमांस चाहिए, ढींग चिका चाहिए। अबे पागल हो बे यार हिंदी ऑडियंस यार, जाओ भाई ऐसे फिल्मों को देखो यार, ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करे यार। कब तक यूरोपंती 2 जैसे फिल्मों देखोगे, कब तक जुग जुग जियो जैसे फिल्मों को भाई तुम लोग देखोगे। अभी तुम लोग दिमाग में आ रहा है ये दोनों फिल्में तो फ्लॉप है, बट ये दोनों फिल्मों का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। फ्लॉप होने के बजाय भी इन सब फिल्मों ने भाई अपने स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में अच्छा खासा कलेक्शन किया। अगर इनका जितना कलेक्शन हुआ ना, अगर उतना ही हिंदी बेलचक्र विक्रांत रोना है कलेक्शन हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज हो। अभी इस फिल्म को भाई पब्लिक नहीं देखने गई है, बट जब भी ये फिल्म ओटीटी पे आएगा ना भाई, सब कोई बोलेंगे वाओ मैन, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को छोड़ दिए। हिंदी बेल के ऑडियंस ना थोड़ा लेट समझती है, बट समझती जरूर है, क्योंकि अनु भंडारी सर के एक जो रंगी तरंगा फिल्म आया हुआ था, उस फिल्म को भाई लॉकडाउन के टाइम में हिंदी बेल्ट के लोगों ने बहुत देखा था और बहुत प्यार दिया था यार। सो अगर तुम लोग वैसे फिल्मों को फैन हो तो भाई तुम लोग के लिए भाई ये फिल्म बनी है। जो भी लोग सोच रहे हो कि मैं इस फिल्म को देखने जाऊं या फिर नहीं जाऊं, अरे बुरबक हो, जाओ फिल्म को देखने यार, फिल्म एकदम कंटाव है। जितना मुझे उम्मीद था इस फिल्म से, ये फिल्म मेरी उम्मीद से एक आध कदम आगे ही निकला यार। मतलब क्या ही फिल्म बना दी है भाई अनु भंडारी। जो लोग रंगी तरंगा को देखे हैं, अगर वो लोग इस फिल्म को देखेंगे, वो लोग ना भाई स्टोरी को पकड़ लेंगे यार, आखिर एक्चुअली में इस फिल्म का विलन कौन है। बेसिकली होता है एक गांव होता है जहां बहुत सारे लोगों का मर्डर हो रहे होते हैं, बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, इसी के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं अपने विक्रांत रोना मींस केचा सुदेव। एक्चुअली में इन लोगों का मर्डर कौन कर रहा होता है, पीछे का क्या राज है, यही सब जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म का 3D का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। 3D में देखने टाइम में वो फील होता है, पानी के बूंदे, वो आग का जो लहर होता है, वो कांच का टूटना, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। इंडिया में बहुत 3D वर्जन वाली फिल्में बनी, बट उन सब फिल्मों में ना ये सब चीजें का नाम सबको बहुत कमियां देखने को मिलती है। बात करते हैं स्टार लोगों की परफॉर्मेंस को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं अपने जैकलिन फर्नांडिस, क्योंकि भाई हिंदी की इकलौती यही एक्ट्रेस हम सबको इसमें देखने को मिली है। और जैकलिन फर्नांडिस खुद को एक बार और प्रूफ कर दिया कि वो कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं है। उनको सिर्फ नाच गाने के लिए ले लो फिल्म में, वो आएंगी नाच गाना करके बहुत ही अच्छा तरीके से निकल जाएंगे, बट अगर उनको तुम कोई छोटा सा भी रोल दे दो तो अपने एक्टिंग के जरिए हक देती हैं। और वंस अगेन उन्होंने भाई फ्लैट एक्सप्रेशन के जरिए, मतलब ऐसा मुंह बना के अपना कोई डायलॉग बोलती है ना, मुझे समझ में नहीं आता इनको कोई नीचे से चींटी वोटी काट रहा होता है क्या यार, इस तरीके से मुंह बना के भाई डायलॉग बोलते हैं। बट अच्छी बात यह है इनका इस फिल्म में बहुत कम रोल है। बात करते हैं केचा सुदीप वन मैन आर्मी है। जब से उनके फिल्म में एंट्री होती है, स्टार्टिंग वाले जो बोट वाले जो सीक्वेंस है, स्टार्टिंग फाइट सीक्वेंस होता है, अच्छा लगा उनका एंट्री सीक्वेंस। और भाई जब से वो एंटर करते हैं ना फिल्म में, तभी से फिल्म देखने में ना और ज्यादा मजा आता है। फिल्म थोड़ी सी पेस पकड़ लेती है, कुछ कुछ जगह ये फिल्म थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ में कुछ कुछ ऐसे सीन्स डाले गए हैं जो बिना मतलब के भाई लगेगा तुम्हें इस सीन को नहीं डालने चाहिए थे, बट फिर भी भाई डायरेक्टर ने डाले हैं। और सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ भाई अच्छा है, नो डाउट, सेकंड हाफ प्रॉपर तुम्हें एंगेज करके रखता है। सो अब बात करते हैं अगले स्टार मीन्स निरूप भंडारी सर की। वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं संजू का, मतलब मेरा नहीं, इस फिल्म में एक कैरेक्टर है संजू का, वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है। तो इनके अपोजिट जो हीरोइन को रखा गया है, वो हीरोइन का काम मुझे अच्छा नहीं लगा यार। स्टार्टिंग का खास करना एक आध सीन में वो बहुत ही ओवर एक्टिंग करती है। सबने संजू मीन्स नीरू भंडारी वो घर के पास खड़े होते हैं, वहाँ पीछे से जैसे हीरोइन इंटर करती है, वहाँ का जो सीन जैसे फिल्माए गए हैं, हीरोइन लगता है कि टोटली ओवर एक्टिंग कर रही है। और दूसरा जंगल में जब ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहाँ जब हीरोइन के ऊपर गिरती है, वो भी सीन लगता है कि टोटली ये ओवर एक्टिंग वाला है। बाकी अगर इन सब चीज़ों को अगर इग्नोर कर देते हैं तो फिल्म भाई टोटली पैसा वसूल फिल्म है। फिल्म में तुम्हें विजुअल देखने को मिलेगा, इमोशन डाले गए हैं, एक्शन डाले गए हैं और खतरनाक लेवल का भाई BGM डाला गया, खासकर जो क्लाइमेक्स वाला जो फाइट सीक्वेंस है भाई, ये चीज़ को लेकर मैं कल से ही चिल्ला के बोल रहा था, ये चीज़ के देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और अच्छा लगा भाई क्लाइमेक्स वाला फाइट सीक्वेंस। बट क्लाइमेक्स वाला फाइट सीक्वेंस में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जगह पे केचा सुदीप विलन और उसके भाई से फाइट कर रहे होते, वो विलन को मारते हैं, विलन के पीछे उसका भाई होता है, इसको चोट भी नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो गिर जाता है। दूसरा सीन में विलन को जो अपने केचा सुदीप जो किक मारता है, वो सीन में प्रॉपर दिख जाता है कि किक नहीं लगा है, फिर भी विलन गिर जाता है। ये चीज एक मैंने नोटिस किया, बाकी ओवरऑल भाई अच्छा फिल्म। ओवरऑल मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जाके इस फिल्म को जरूर 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 देख। लास्टली ये वीडियो तुम्हें जरा ही पसंद आया प्लीज यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार।
और मेरे से बात करना चाहते हो आ जाएगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, सारे चीज का लिंक भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।